हेलो दोस्तों, निर्लज्ज तू फिर आ गया। अरे यार रुक जाओ, थोड़ा सुनो मेरी बात। नहीं देखो, कल मेरे वीडियो में बहुत से लोगों का कमेंट आया। अप्रिशिएट करने वालों को दिल से थैंक यू, और एंड ना करने वालों को भी थैंक यू जिन्होंने कम से कम पूरा वीडियो तो देखा। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अब देखो, क्योंकि कुछ दिन रौनक भाई नहीं है तो फिलहाल इस शिप का कैप्टन मैं ही हूँ। ठीक नहीं कर रहे। गाड़ी मेरी नहीं है, बस कुछ दिन उधारी के लिए ले रखी है। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग डीसी मार्वल वाले कीड़े हो, जो मैं भी हूँ, और वो कीड़े शांत किए जाएंगे। मगर एक वेब सीरीज जिसकी आपने सबसे ज्यादा बात की है कमेंट्स में, वो मैंने कल देखी। नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। डरे हो लगे हो चंदन, तुम्हारे डर का सिर्फ एक ही अंत है। टोटल 7 पन्नों वाले इस वेब सीरीज का एक ही सार है कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, दिखना जाना हमारे बिहार में। शुद्ध बिहारी तड़के के साथ ये वेब सीरीज आती है। बिहारी ठेठ बोली और बिहार की सामाजिक राजनीतिक समीकरणों के बीच ये उस टाइम की बात करती है जहां पर एक ऑफिसर अमित लोढ़ा ने कैसे बिहार के सबसे बड़े क्रिमिनल चंदन महतो को पकड़ा और कानून व्यवस्था कायम किया। ये उनकी ही लिखी बुक बिहार डायरीज की कहानियों पर बेस्ड है। उस समय की बिहार में जहां आदमी खाली गुटखा ठूक के बंडा मार देता था, जहां मुर्गे उठाने से पहले बंदे उठ जाया करते थे, वो बिहार जहां तरकारी से पहले रंगदारी तैयार की जाती थी, और वो बिहार जो अपनी बोली से ज्यादा गोली से बात करता था, ऐसे बिहार के पृष्ठभूमि पर आधारित है ये वेब सीरीज। अपने 7 एपिसोड्स में उस टाइम के बिहार की कहानी कहती है। तो देखो, कहानी है बिहार के उस काल की जहां क्रिमिनल एकदम सांड बने थे। वहीं पोस्टिंग होती है ऑफिसर अमित लोढ़ा यानी करण टैकर की, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन बिहार की जनता के साथ घुल मिल रहे हैं। दूसरी और अविनाश तिवारी यानी चंदन महतो नाम का भी कैरेक्टर है जो इस सीरीज का मेन विलेन है। अब वो कैसे क्राइम की दुनिया में कदम रखता है, कैसे अमित और चंदन का एनकाउंटर एक दूसरे से होता है, और सपोर्टिंग कास्ट के साथ ये कैसा तड़का लगाया जाता है, वही इस पूरे वेब सीरीज की कहानी है। लगभग 1-1 घंटे की 7 कड़ियों में ये पूरी कहानी कही गई है। अंत में क्या होगा, चंदन कैसे पकड़ा जाएगा, और वो कौन सी अनकही कहानियां हैं जो मीडिया में नहीं आई। हाँ, बुक में आई, लेकिन आज के जमाने में आदमी साइन बोर्ड तो पढ़ता नहीं है, बुक क्या ही पढ़ेगा। तो अगर आपको वो देखना है तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, देख सकते हो। सीरीज के सपोर्टिंग कास्ट में सबसे ज्यादा निखर कर आते हैं मुक्तेश्वर चौबे यानी आशुतोष राणा, रंजन कुमार यानी अभिमन्यु सिंह, अभ्युदय सिंह यानी रवि किशन, और च्यवनप्राश साहू यानी जतिन सरना। इसके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स लिटरली इस पूरी वेब सीरीज को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने जितना इसको सपोर्ट किया है उतना आज तक गुप्ता जी ने अपनी बीवी को भी नहीं किया होगा। अभिमन्यु सिंह की आवाज में ये पूरी सीरीज अपने नरेशन के साथ चीजें समझाती चलती है। पुलिस और क्रिमिनल दो बिल्कुल अलग लोग। सीरीज में कई चीजें अच्छी हैं, जैसे बिहार का प्लॉट। ऐसा नहीं है कि ऐसा प्लॉट हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसकी स्टोरी कहीं ना कहीं आपको अगला एपिसोड देखने को एक्साइट तो कर ही देती है। भाई साहब, इसका थीम सॉन्ग मेरे को बहुत गजब लगा, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरे बिहार में। भाई ऐसा सब करोगे तो कोई कैसे बिहार आएगा, और ऐसा नहीं भी करोगे तो भी कोई कैसे बिहार जाएगा जब रातों रात वहाँ पे रोड गायब हो जाती है। लेकिन कौटिल्य की धरती बिहार के बिना भारत अधूरा है। सब कमियों के बावजूद भी ये फिर भी अपने में खास है। उसी खुशबू के साथ ये वेब सीरीज खुद को कंप्लीट करती है। डायलॉग्स की बात करें तो इसके कई सारे डायलॉग्स हैं जो मेरे दिमाग में छप गए। जैसे रवि किशन का एक डायलॉग जब वो नए ऑफिसर के लिए कहते हैं कि नया नया ड्राइवर हॉर्न ज्यादा बजाता है। नया नया ड्राइवर ज्यादा ही हॉर्न बजाता है। या एक डायलॉग कि हमारे डर का एक ही अंत है। डर का सिर्फ एक ही अंत है, हम। या मुक्तेश्वर चौबे का डायलॉग जब वो एक पार्टी में अमित लोढ़ा की प्लेट में कम खाना देखकर कहते हैं कि अरे पुलिस वाले होकर इतना कम खाते हो। लेकिन जितना बड़ा लेकिन मुझे इसके कुछ चीजों में है, उसका मेजरमेंट लोगे ना बाबू तो बुर्ज खलीफा नापने वाली मशीन लानी पड़ेगी। सबसे पहला लेकिन तो ये कि इतने अच्छे सपोर्टिंग कास्ट के होने के बाद भी उन कैरेक्टर्स के फुल पोटेंशियल तक उनको नहीं ले जाया गया। भाई मिर्जापुर देखो, तिवारी से लेकर गुड्डू तक सारे अपने में एक अलग चीज थे। यहाँ सारे सपोर्टिंग कास्ट वो छाप नहीं छोड़ पाते। दूसरा, ये थोड़ी सी लंबी लगती है, मतलब मुझे 3 सिटिंग लगी इसको देखने में, लेकिन हाँ OTT के चर्सी इसको एक ही दिन में निपटा सकते हैं। वही मुझे ये भी लगा कि कहीं कहीं बिहार को काफी जनरलाइज कर दिया गया है, फिर भी ब्रांड नीरज पांडे उसको खींच ही लेते हैं। बिहार की पृष्ठभूमि पर बनी चीज में इतनी जल्दी रवि किशन को निपटा दिया, भाई वो एज एन एक्टर बहुत बड़ी चीज है। ऊपर से इस बार तो ग्राउंड भी उनका था, ये ठीक नहीं किया मैं तो बाबू। 7 एपिसोड की वेब सीरीज की बात करें तो उसमें भी विनय पाठक का रोल काफी छोटा ही लगा। कुल मिलाकर सीरीज देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि देखोगे नहीं तो कोई सच में तुमको कट्टा ठोक देगा, लेकिन हाँ बिहार पुलिस की नजर से अगर बिहार को देखना है तो दिस इज अ मस्ट वॉच। बाकी आपको क्या लगता है नीचे क्या डालो, नया लड़का हूँ लेकिन वो रॉकी भाई ने बोला है ना, जगह के लिए नया हूँ फील्ड में नहीं। तो आगे भी मैं बीच बीच में आता रहूंगा। कीप सपोर्टिंग अस गाइस। और देखो यार, बंद नाक और भारी गले के साथ अगर आपके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं तो उसका एक ही मतलब निकलता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर। मौसम बदल रहा है, आप मत बदलना। सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना।